Hey, welcome back and good evening to all my dear students. This is Solmed English Classes और आप देख रहे हैं English की class शहंशाह सर के साथ. मेरे प्यारे बच्चों, कुछ personal issue के चलते दो दिन video upload नहीं कर पाए थे, उसके लिए काफ़ी खेद है हमें. बट आज हम लोग शुरू करें मेरे बच्चे प्रीपोजिशन की सबसे लेटेस्ट टॉपिक, अब तक का सबसे लेटेस्ट टॉपिक आपका मेरे बच्चे. जनरल प्रीपोजिशन हमने ख़त्म किया था, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन हमने ख़त्म किया था, उसके बाद बहुत सारा वीडियो आपका अपलोड है. जो बच्चे आज की वीडियो देखेंगे, इस रिकॉर्डेड वीडियो को, वो जाकर के पिछले वाले वीडियोज़ को जरूर देखें. 2 से 3-4 मिनट का वीडियो रह रहा है मेरे भाई, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं पढ़ने के लिए आप लोगों को. मैं जानता हूँ आपकी इस बिजी लाइफ में से बस थोड़ा सा समय निकालो, इंग्लिश को अपना बना लो मेरे बच्चों, ठीक है. आज की जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है ना. कौन सा फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है भाई. इस फ्रेजल प्रीपोजिशन की बात करें सरकार तो कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे. देखो सर, मैं ये नहीं कहूँगा ये वो फलाना ऐसे ऐसे करके, वो बकवास है सब चीज़ें. जो है सही परफेक्ट बात करेंगे. फ्रेजल प्रीपोजिशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से बनता है, सीधी बात है. हमने एक चक्र बनाया है, इसमें हमने एक वर्ब लिया जिसका नाम क्या है, नॉक. नॉक नॉक, तेरा बाप आया, ये पहले चला था, है कि नहीं. समझ में आ रहा ना. आओ मेरे बच्चों देखो, सीरियसली बात करते हैं, है ना. मेरी मजाक को दिल पे ना लेना. देखो बेटा, हमने आज जो वर्ब लिया है, नॉक एट, नॉक ऑफ, नॉक डाउन, है ना, नॉक डाउन और नॉक आउट, ठीक है ना. ये चार शब्द से हमने चार फ्रेजल वर्ब बनाया है, आई मीन फ्रेजल प्रीपोजिशन बनाया है, और चार एग्जाम्पल भी आपके सामने एकदम अच्छे तरीके से प्यारे. तो देखो बेटा, मैं ये नहीं बता, देखो नॉक एट, कोई आया दरवाजे पे तो ये किया फलाना ढिकाना, नॉक ऑफ बंद करना, इसे ये कुछ बाद में हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं यार, कैसे. टीचर तो अपना दिमाग ला के बना दिए, फिर हमको उतना बात समझ में नहीं आया, तो कहीं नहीं कुछ, कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है. इसका सही परफेक्ट ट्रिक नहीं काम करता है. तो मैं आपको सीधे तरीके से बता रहा हूँ कि सबसे अच्छी जो तरीका है ना, यूज करो, हटाओ वो सब नॉर्थ इंडियन वाली बातें जो हम लोग हिंदी में लेकर चलते हैं. यूज करो, इंग्लिश को सीखना है बेटा. CBSE स्कूल के पैटर्न वाले बच्चे काफ़ी अच्छे समझते हैं. यूज करो इंग्लिश फ्रेजल वर्ब को, इंग्लिश की किसी भी वर्ड को अगर यूज करोगे, रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी मेरे भाई. मैं आपको सही बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझो, यूज करोगे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने में ही जो मज़ा है वो मज़ा अपने आप में अलग ही होता है भाई. आओ शुरू करते हैं कहानी शहंशाह सर की जुबानी. बच्चे नॉक एट, नॉक एट ये दस्तक देने के लिए काम आता है बच्चे, है ना, दरवाजे पर दस्तक देने के अर्थ में, ठीक है. तो हमने यहाँ पे लिखा है समवन इज, अब ना दरवाज़ा, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है या दे रहा था, जैसा भी हो. अब इज लगा है तो जाहिर सी बात है बिफोर आएगा, तो हम यहाँ पे जो भी करेंगे बेटा नॉकिंग, है ना, और ऐड कर देंगे नॉकिंग एट द डोर. बात समझ आ रही है ना, नॉकिंग एट द डोर. तो समवन, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, नॉक मतलब दस्तक देना, ठीक है. लेकिन जब हम नॉक ऑफ की बात करते हैं तो मैंने इसका यहाँ पे मीनिंग इंग्लिश में लिखा है, ध्यान से सुनना, मैं इसी पर काम करता हूँ भाई. मैं कुछ हिंदी भी बताता हूँ बट लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना बहुत मज़ेदार बात होती है. आप जो समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, जो लोग समझ रहे होंगे समझ रहे होंगे. टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई काम बंद कर देना, नॉक ऑफ का मतलब कोई बंद कर, ऑफ का मतलब होता ही है स्विच ऑफ द फैन. रिलेटेड रिलेशन करो, शब्दों से रिलेट करो, जहां पे सही बात लगी मैं बताऊंगा, जहां पे तुक्का मार मैं नहीं बताऊंगा सर, सीधी बात है. तो नॉक ऑफ, वर्कर्स यूजुअली, है ना बच्चे, नॉक ऑफ कर देते हैं, है ना, नॉक ऑफ क्या कर देते हैं सरकार, नॉक ऑफ करते हैं 5, है ना, 5:30 या कभी कभी 6 बजे के आसपास, 5, 5:30 या 6 बजे के आसपास वो काम को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं. वर्कर्स यूजुअली नॉक ऑफ, है ना बच्चे, एट 5:30 और 6 PM, ये हुआ आप यहाँ पे नॉक ऑफ का यूज. लेकिन अब चलते हैं बेटा थर्ड नंबर पे, यहाँ पे है नॉकडाउन का सेंस. नॉकडाउन का मतलब होता है टू हिट समवन विथ, किसी चीज़ से किसी को धक्का देना, मारकर गिरा देना, ठीक है ना, धक्का देने के सेंस में हिंदी में. शी वाज बाय अ कार, अब उसको किससे से हिट लगा भाई, हिट चोट किससे लगा, कार से. तो अब देख रहे हो, सेंस को समझो, यूज करोगे सारी बात समझ में आएगी, है ना, वो तुक्का मार भी दे रही. तो शी वाज नॉकिंग डाउन, जाहिर सी बात है हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसके बाद V4 जरूर आता है ना, एक्टिव सेंटेंस में. पैसिव रहता है तो अलग बात है, और यहाँ पे डूअर लिविंग है तो हमारा यही सेंस होगा, है ना. तो शी वाज नॉकिंग डाउन, यहाँ पे लगा देंगे बच्चे नॉकिंग डाउन बाय अ कार, ठीक है, नॉकिंग डाउन बाय अ कार, नॉकिंग डाउन बाय अ कार, ठीक है ना. अब आओ 4 पे चलते हैं, नॉकआउट, ये तो बहुत पॉपुलर वर्ड है मेरे बच्चे, मजेदार शब्द है. नॉकआउट का मतलब होता ही है टू हिट समवन सो हार्ड, किसी को इतना मारना कि एकदम परास्त कर देना, खत्म, ठीक है ना, बर्बाद कर देना, ठीक है. ये WWE में जो बॉक्सिंग वगैरह में होता है ना भाई, तो मैंने लिखा शी, ठीक है. अब हिज,
सॉरी सरकार हर होगा यहाँ पे, मैंने हिच कर दिया है, हर ओपोनेंट इन द बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में ओपोनेंट का मतलब वही प्रतिद्वंदी जो सामने वाला लड़ने वाला था, तो शी नॉक्ड आउट है ना, उसने कर दिया था नॉक्ड आउट अपने प्रतिद्वंदी को। बात को समझ में आ रही है मेरे बच्चे? तो फटाफट इस बातों को जल्दी से एकदम नज़र उतार लेना अच्छे तरीके से, और वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ये सारी बातें। नॉकआउट खटखटाना, नॉक ऑफ है ना, कोई काम बंद कर देना, नॉकडाउन है ना, किसी से किसी व्यक्ति को टक्कर मारना, और नॉकआउट टू हिट समवन, परास्त कर देना, गिरा देना। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए सॉल्वमेटिंग इंग्लिश क्लासेस शहंशाह सर के साथ। मेरे बच्चे मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।